Hello students, welcome back in today's English class. Okay, today I am going to start chapter 8. This chapter name is Thomas Alva Edison. In this chapter you will learn about Thomas Alva Edison, who was a scientist. एक साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, आपने इनके बारे में सुन भी रखा है। इन्होंने किसका आविष्कार किया है? इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया है, और बहुत ही फेमस है कि इन्हीं के द्वारा, इनके आविष्कार के द्वारा ही आप देखिए आज आप लाइट में बैठे रहते हैं, लाइट यूज करते हैं, तो वो इन्हीं का आविष्कार था। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, दीज आर थ्री पिक्चर्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है, तीन पिक्चर्स हैं, इसमें इन्वेंटर्स हैं और इन्वेंशंस। इन्वेंटर्स मीन्स आविष्कारक, और उनके इन्वेंशन है, उन्होंने किसका आविष्कार किया है, तो इसमें ये दिए हुए हैं। गैलीलियो, गैलीली है, तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? टेलीस्कोप का। और कार्ल वेन ने किसका आविष्कार किया? कार। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऐसे ही जो एडिसन है, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर। ये थॉमस अल्वा एडिसन वाज नेचुरली क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स ईगर। जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो स्वभाव से ही बहुत ही जागरूक थे, कि जानने की इच्छा होती थी उनके अंदर, वो जानना चाहते थे कोई भी चीज होती थी। ही वाज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस एंड लाइक टू एक्सपेरिमेंट, वो हमेशा क्वेश्चन पूछना पसंद करते थे और प्रयोग करना पसंद करते थे। वंस, एक बार की बात है, व्हेन ही वाज वेरी यंग, ही इवन सैट ऑन सम गूज एग्स टू सी इफ दे वुड हैच। जब वह यंग थे तो वो क्या हुआ, गूज के एग्स पर बैठ गए देखने के लिए, इफ दे वुड हैच, कि क्या उनके अंदर से क्या निकलेगा, कि क्या बच्चे निकलेंगे उनके अंदर से। हैच मींस प्रोड्यूस, ले एग्स, कि उनके अंदर से निकलेंगे। तो वो ये देखने के लिए उनके ऊपर ही बैठ गए। अब देखिए आप कितना क्यूरियसनेस थी उनके अंदर, कितने क्यूरियस थे वो। ये देखिए आपको पिक्चर में इसमें दिखाई दे रहा है कि ये बैठे हुए हैं। ओके, यू आर सीइंग दिस पिक्चर, दिस इज एडिसन। ओके, और ये एक्स पर बैठे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एज अ यंग बॉय, और जैसे कि वो यंग बॉय थे, थॉमस हैड ट्रबल सिटिंग स्टिल इन क्लास, उन्हें प्रॉब्लम होती थी क्लास में बैठने में। सो हिज मदर टूक हिम आउट ऑफ स्कूल एंड टोट थॉमस हरसेल्फ एट होम, इसलिए जो उनकी माँ है उन्हें स्कूल से ले गई और उन्हें घर पर ही सिखाया, अपने आप उन्होंने घर पर ही पढ़ाया। ही वॉज अ फास्ट लर्नर, वो तेजी से सीखने वाले थे। हु लव्ड लुकिंग फॉर आंसर इन बुक, जो आंसर किसमें, बुक में देखना, फाइंड आउट करना पसंद करते थे अपने आप, वो अपने आप करने की इच्छा रखते थे। ऐसा ही आपको भी होना चाहिए, आपको कोई चीज दी जाती है तो उसको आपको सेल्फ स्टडी करने चाहिए। पहले आप जो चैप्टर पढ़ोगे उसको आपको पढ़ना चाहिए, उससे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि उससे वो हमें समझ में आता है अच्छे से। ये नहीं आपको जो आंसर दे दिए आपने कॉपी कर लिए लिख लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसे समझकर लिखना है। ओके, व्हेन थॉमस वाज 12, जो थॉमस 12 इयर्स के थे, ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट जॉब, उन्होंने अपना पहला कार्य करना शुरू कर दिया था। ही क्या थी वो जॉब, ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर बेचते थे, फूड कैंडी ऑन द ट्रेन, ट्रेन में बेचा करते थे, दैट ट्रेवल बिटवीन पोर्ट ओरियन एंड डेट्रॉयट, जो डेट्रॉयट और पोर्ट ओरियन के बीच में चलती थी, यात्रा की जाती थी, उस ट्रेन में वो जाते थे। बाय द टाइम ही वाज 15, और जब वो 15 के हुए, उस समय से जो थे वह, उन्होंने अपना वीकली पेपर बेचना शुरू कर दिया था, अपने हाथ से ही छपा हुआ, प्रिंटेड हिमसेल्फ, अपने आप ही प्रिंट किया हुआ अपना पेपर उन्होंने बना लिया था। इट वॉज फुल ऑफ न्यूज अबाउट द पीपल हु ट्रेवल और वर्क ऑन द ट्रेन, और ये किससे भरा हुआ था, कैसे न्यूज होते थे इसमें, उन लोगों की न्यूज होते थे जो ट्रेन में काम करते थे और जो यात्रा किया करते थे। इन 1868 व्हेन ही वाज 21, जब वो 21 इयर्स के थे, 1868 में एडिसन इन्वेंटेड, एडिसन ने आविष्कार किया एक ऑटोमेटिक बोर्ड काउंटर का आविष्कार किया, फॉर विच ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट पेटेंट, जिसके लिए उन्हें अपना पहला पेटेंट मिला था। अब व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, अ पेटेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये जो पेटेंट होता है वो गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा दिया जाता है, गिव एन इन्वेंटर, एक आविष्कारक को दिया जाता है, द सोल राइट टू मेक एंड सेल हिज और हर आइडिया,
कि उसे अधिकार होता है, उसने जो चीज बनाई है वो उसको बेच भी सकता है और अपना विचार प्रकट कर सकता है, अपने विचार को वो किसी को दे सकता है। कि ये जो होता है कोई भी एक व्यक्ति होता है कि उसको कोई चीज उसने बनाई है तो उसका अधिकार मिल जाता है कि वो कोई चीज है, जैसे मेडिकल होता है उसमें मेडिकल पे आप मेडिसिन बेचते हो दवाई, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी अवसर मिल जाता है, आपको अधिकार हो जाता है कि आप वो कार्य करते हो। अगर कोई उसका दूसरा उपयोग करता है और कोई, तो वो इल्लीगल होता है, वह करता है। तो ऐसे ही जो एडिसन है उन्हें ये पेटेंट मिल गया था। अनफॉर्चुनेटली द बोर्ड काउंटर टर्नड आउट टू बी अ फेलियर बिकॉज नो वन वांटेड इट। अनफॉर्चुनेटली मीन्स अनलकीली, दुर्भाग्य से क्या होता है, जो बोर्ड काउंटर है वो उनकी असफल हो जाता है। ये जो उनका पहला आविष्कार था असफल हो, क्यों? क्योंकि उसे कोई भी नहीं चाहता था। नो वन वांटेड, नो वन मीन्स कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था। एडिसन बोर्ड दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन ही वुड इन्वेंट ओनली थिंग्स दैट पीपल वांटेड। अब उसी दिन से एडिसन ने बोर्ड मीन्स ओथ प्रोमिस शपथ ले ली। इस पॉइंट से उनका जो ये कार्य असफल हुआ कि वो आविष्कार करेंगे उन्हीं चीजों का जिसको लोग चाहते थे, कि उन्हीं चीजों का आविष्कार करेंगे। व्हेन ही वाज अबाउट 30, जब वो 30 इयर्स के थे, एडिसन एस्टैब्लिश्ड अ लेबोरेटरी इन मेनलो पार्क। एडिसन ने एक लेबोरेटरी मेनलो पार्क में स्थापित की, अ स्मॉल टाउन इन, जो एक छोटा सा शहर है न्यू जर्सी में। ओके, इट वॉज हियर दैट ही इन्वेंटेड द टिन फॉयल फोनोग्राफ एंड द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। और यहाँ पर उन्होंने आविष्कार किया टिन फॉयल फोनोग्राफ का और एक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, दिस इज मेन। ओके, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो उन्होंने आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। एडिसन वॉज ग्रांटेड ओवर 1000 US पेटेंट्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। अपने जीवन के दौरान एडिसन को 1000 US पेटेंट मिले थे, प्राप्त किए थे उन्होंने। एज ही बिकेम इंक्रीजिंग फेमस, और ऐसे ही वो विख्यात हो, फेमस होते गए, फेमस मीन वेल नोन, बहुत ही प्रसिद्ध होते गए। ही वॉज कॉल्ड, कि उन्हें कहा जाने लगा द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, उन्हें मेनलो पार्क का विजार्ड कहा जाने लगा, इतने फेमस हो गए। एडिसन फेल्ट दैट ही वॉज नॉट अ विजार्ड एंड हिज सक्सेस वॉज अ रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क। लेकिन एडिसन ने महसूस किया कि वो कोई विजार्ड नहीं है, विजार्ड बनू है मैजिक पावर्स, जादुई शक्ति रखता है जो जादूगर होता है, कि वो कोई विचार नहीं है, वो तो सफल हुए हैं। सफलता उनका किसका परिणाम था? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, कि वो कठिन परिश्रम के कारण सफल हुए हैं। ही फेमसली सैड, और वो कहा करते थे, फेमसली इसलिए प्रसिद्ध कहा जाता है, उनकी कोटेशन है, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। कि जीनियस जो बुद्धिमत्ता होती है वो केवल 1% प्रेरणा से मिलती है, 1% प्रेरित होकर ही बनते हैं बुद्धिमान, 99% किससे बनते हैं? परसिपरेशन मीन्स स्वेट, पसीना, पसीने से, हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क की कठिन परिश्रम से ही 99% बुद्धिमान बनते हैं, 1% होते हैं जो प्रेरणा से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो You have to learn and read again and again this chapter. This is very interesting chapter. Okay, students, you should do work hard to get success. Now let's do word meaning. First, curious. Curious means eager. जागरूक होना, किसी विषय में जानने की इच्छा रखना. Hatch means produce, उत्पन्न करना, lay eggs. Third, counter. काउंटर क्या होता है? डिवाइस यूज फॉर काउंटिंग, जो काउंटिंग करने के लिए हम किसी भी यंत्र का यूज करते हैं। फोर्थ, विजार्ड, वन हु परफॉर्म्स मैजिक, जो मैजिक करता है उसको क्या कहते हैं? विजार्ड, जादूगर। फिफ्थ, नेचुरली मीन्स जनरली, स्वाभाविक रूप से, जो स्वभाव से ही ऐसा होता है, जिसका स्वभाव होता है वो नेचुरल होता है अपना प्राकृतिक रूप से। ओके, सिक्स, ट्रबल, प्रॉब्लम, समस्या, कि कोई परेशानी होना। सेवन, इन्वेंटेड, क्रिएटेड या मेड, आविष्कार किया, बनाया। एट, रिसीव्ड, रिसीव्ड मीन्स गॉट या ग्रांटेड, प्राप्त किया। नाइन, एस्टेब्लिश मीन्स सेटल्ड, स्थापित हो जाना, स्थापित कर देना कुछ। टेंथ, परस्पिरेशन मीन्स स्वेट, पसीना, हार्ड वर्क। ओके, नाउ लेट्स डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज थॉमस अल्वा एडिसन व्हेन ही स्टार्टेड हिज
फर्स्ट जॉब। थॉमस अल्वा एडिसन वो कितने साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की? 12 years old। 19 years के नहीं थे, 10 years old भी नहीं थे, 12 years। राइट आंसर इज 12 years old। दिस इज राइट आंसर। सेकंड, यंग थॉमस वाज नेचुरली, वो स्वभाव से कैसे थे? अभी हमने पढ़ा था डम, ग्रीडी, क्यूरियस। वो डम भी नहीं थे, ग्रीडी भी नहीं थे, कैसे थे? क्यूरियस, बहुत ही जानने की इच्छा रखने वाले। दिस इज राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एट 15 एडिसन वाज सेलिंग हिज ओन। जब 15 इयर्स के थे तो एडिसन क्या बेचते थे? अपना वीकली पेपर। दिस इज राइट आंसर। मैगजीन नहीं बेचते थे, कॉमिक नहीं बेचते थे, वो वीकली पेपर। दिस इज राइट आंसर। ओके, फोर्थ, वेयर डिड थॉमस एडिसन एस्टेब्लिश हिज फर्स्ट लेबोरेटरी। लेबोरेटरी क्या होता है? लैब, जैसे कि आप लैब में टेस्ट करवाते हैं, ऐसे इसमें प्रयोग होते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, इंडिया में या न्यू जर्सी में? कहाँ पर? दिस इज राइट आंसर, न्यू जर्सी। ओके, फिफ्थ, थॉमस लव लुकिंग फॉर आंसर्स। थॉमस पसंद करते थे आंसर्स किस में देखना? लोगों से पूछना, बुक्स में देखना, या कोई भी नहीं है इसमें से, वो बुक्स में देखना पसंद करते थे, बुक्स से वो सर्च करते। तो इन बुक्स इज राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, थॉमस अल्वा एडिसन वंस सैट ऑन डक्स एग। क्या वो डक्स के एग पर बैठे थे एक बार? नहीं, किसके एग पर बैठे थे वो? टेल मी, गूज एग्स। तो अगर यहाँ पर गूज होता तो ये राइट होता, दिस इज फॉल्स, ये रॉन्ग है। सेकंड, विजार्ड ऑफ लिनोवा पार्क वाज द टाइटल गिवन टू एडिसन। विजार्ड ऑफ लिनोवा पार्क का टाइटल दिया गया था एडिसन को? नहीं, मैनलो। अगर यहाँ पर मैनलो पार्क होता, मैनलो होता, तो ये राइट होता। सो दिस इज फॉल्स, इसलिए ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ओके, थर्ड, एट द एज ऑफ 15 एडिसन सोल्ड हिज ओन वीकली पेपर। 15 इयर्स की एज में उन्होंने अपना वीकली पेपर बेचा था? यस, दिस इज राइट आंसर, ट्रू। फोर्थ, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आज इन्वेंटेड बाय एडिसन इन जर्मनी। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार एडिसन के द्वारा जर्मनी में हुआ था? नो, दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज फॉल्स, एफ। इन 1868 एडिसन इन्वेंटेड एन ऑटोमेटिक बोर्ड काउंटर। 1868 में उन्होंने ऑटोमेटिक बोर्ड काउंटर का आविष्कार किया था? यस, दिस इज राइट, ट्रू, टी। ओके, नाउ लेट्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिस्क्राइब थॉमस अल्वा एडिसन एज अ चाइल्ड। हमें वर्णन करना है थॉमस अल्वा एडिसन जब बच्चे थे, बच्चे के रूप में कैसे थे। आंसर, थॉमस अल्वा एडिसन वाज अ क्यूरियस चाइल्ड। वो बहुत ही उत्सुक बच्चे थे, जानने की इच्छा रखने वाले बच्चे थे। ही लाइक्ड आस्किंग क्वेश्चंस एंड टू एक्सपेरिमेंट। और वो क्वेश्चन पूछना पसंद करते थे और प्रयोग करना। ही वाज अ फास्ट लर्नर एंड लुक्ड फॉर आंसर इन बुक्स। और वो तेजी से सीखने वाले थे, जल्दी ही कोई चीज सीख जाते थे और आंसर जो है वो बुक्स में सर्च करते थे, देखते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइटल गिवन बाय द पीपल व्हेन थॉमस एडिसन बिकेम फेमस एट लेटर स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। व्हाई, कि कौन सा टाइटल दिया गया था लोगों के द्वारा उन्हें, थॉमस एडिसन को, अपने जीवन के दौरान, और भाई और क्यों, ये भी बताना है। आंसर, एडिसन वाज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क। उन्हें मेनलो पार्क का विजार्ड, ये टाइटल दिया गया था। तो स्टूडेंट, हम इसको वाट की जगह भी लिख सकते हैं, द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क वाज द टाइटल गिवन बाय पीपल, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, व्हेन ही ग्रू फेमस बिकॉज, अब हमें ये ग्रू फेमस ये क्वेश्चन नहीं है, अब हमें समझ कर लिखने होते हैं आंसर, ये नहीं कि हमने रट लिया, आधा क्वेश्चन में से होता है। तो बिकॉज, अब हमें ये बताना है क्योंकि, ही वाज ग्रांटेड ओवर 1000 US patents इन हिज लाइफ, क्योंकि उन्हें 1000 US patents मिले थे अपने जीवन में। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज एडिसन फर्स्ट जॉब। एडिसन की फर्स्ट जॉब क्या थी? एडिसन स्टार्टेड हिज फर्स्ट जॉब एट 12। वो 12 इयर्स के लिए तब उन्होंने शुरू की थी, और क्या थी? He sold newspapers, food and candy on the train. वो newspapers, food और candy बेचते थे ट्रेन में, ये उनकी जॉब थी। Next, fourth question. Why did Edison go to invent only things that people wanted? Edison ने क्यों शपथ ली, क्यों प्रॉमिस किया कि वही चीजों को आविष्कार करेंगे जो लोग चाहते थे? Answer, Edison invented an automatic board counter. Edison ने आविष्कार किया था ऑटोमेटिक बोर्ड काउंटर का,
बट इट वॉज अ फेलियर, लेकिन ये असफल हुआ. सो ही वॉन्ट टू इन्वेंट ओनली थिंग्स दैट